अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे हम लिक्विड एंड सॉलिड्स के हवाले से। इसमें हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस किया था। उसके बाद बेटा हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया था और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस को डिटेल से देखा था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे एपीएल में नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आज का लेक्चर हमारा लिक्विड क्रिस्टल पर होगा। लिक्विड क्रिस्टल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद उसमें एक छोटी सी डिटेल आएगी, उस डिटेल को डिस्क्राइब करेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल्स बेसिकली होते क्या हैं, और देन हम इसके यूजेस के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन डोमेन्स हैं वो ये है कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, और देन हम डिस्कस करेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस क्या हैं। तो स्टार्ट लेते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल्स के हवाले से। बेटा लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, इसको पहले गौर से सुनिएगा कि हमारे पास एक क्रिस्टल होता है। तो कोई भी जो क्रिस्टल है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो किसी एक खास टेम्परेचर पर जाकर वो मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद वो बिल्कुल क्लियरली लिक्विड नहीं बनाएगा, बिल्कुल क्लियर लिक्विड नहीं बनाएगा, वो कोई ना कोई कलर्ड लिक्विड बनाएगा। और जब आप उसको मजीद गर्म करते चले जाएंगे तो देन जाके वो फाइनली कलरलेस लिक्विड में आ जाएगा, यानी वो फाइनली मेल्ट हो जाएगा। तो उससे पहले जब वो जब उसका जो एक कलर्ड स्टेट आई, और उसके बाद हम अब जब आप उसको गर्म करते गए और फाइनली एक कलरलेस स्टेट में जब वो लिक्विड चला गया, तो उससे पहले का जो टेम्परेचर के अंदर जो स्टेट हमारे पास आई थी, यानी कि स्टेट दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू टेम्परेचर्स, मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी पहले जब हमने उसको मेल्ट किया था और उसके बाद 5 डिग्री मजीद गर्म करेंगे, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री, तो उसके बाद जाके वो बिल्कुल क्लियर लिक्विड बना देगा। तो मेल्टिंग लिक्विड और उसके क्लियर लिक्विड होने के दरमियान की जो हमारे पास एक टर्बिड फेज आई थी, एक ऐसी कलर्ड फेज आई थी, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो बेसिकली हुआ ये था कि 1888 में ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट फ्रेडरिक रेनिट्जर क्लेस्ट्रॉयल बेंजुएट, ये हमारे पास एक ना क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्लेस्ट्रॉयल बेंजुएट क्या है, हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चे। वो उस सॉलिड को, वो जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता था, जब उसने उसको गर्म किया, तो गर्म करने पर जब वो मेल्ट हुआ 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो मेल्ट हुआ, तो मेल्ट होने पर उसने देखा कि ये तो बिल्कुल एक मिल्की लिक्विड बना है, वो साफ लिक्विड नहीं था, हुआ बिल्कुल क्लियर मेल्ट नहीं हुआ था। जब उसने उसको 179 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए रखा, तो 179 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके वो बिल्कुल क्लियर लिक्विड बना। तो 145 पे वो क्या हुआ था, मेल्ट हुआ था। उसके बाद जब वो मेल्ट हुआ, तो मेल्ट होने पर वो टर्बिड फेज में चला गया, यानी कि कलर्ड लिक्विड था वो। और फाइनली जब उसको 179 तक गर्म किया गया, तो फिर जाके वो बिल्कुल क्लियर लिक्विड में चला गया। तो 145 से लेकर 179 के दरमियान तक की जो टर्बिड फेज आया था, उसे क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अब इसको लिक्विड क्रिस्टल क्यों कहते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास 145 डिग्री से लेकर 179 डिग्री के दरमियान का ये जो लिक्विड आया है, इसमें खास किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि ये लिक्विड तो है ही है, लेकिन लिक्विड के साथ साथ इसके अंदर सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए इसमें खास किस्म का कलर आता है। बेटा मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हमारे पास जब क्रिस्टल्स को गर्म किया, बल्कि आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं। इस डायग्राम में आपको काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास ये जो सोडियम बेंजोएट है, इस सोडियम बेंजोएट को जब हमने 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसने लिक्विड तो बना दिया, मेल्ट तो हो गया, लेकिन उसका जो कलर था वो मिल्की कलर था, या आप कलर देख सकते हैं, विस्कस मिल्की लिक्विड। बट फिर जब इसको मजीद गर्म करते गया 179 पर जाके, तो बिल्कुल क्लियर लिक्विड हो गया। ये देखिएगा 179 डिग्री या इससे अबव पर जाके वो बिल्कुल क्लियर लिक्विड हो गया। तो मेल्टिंग और क्लियरिंग के दरमियान करके ये जो फेज आया है, टर्बिड फेज आया है, इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। अब ये खास किस्म का लिक्विड है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक चीज सॉलिड है तो वो जस्ट सॉलिड ही होगी,
उसकी अपनी मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होंगी, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, उसका अपना ऑप्टिकल बिहेवियर होगा, उसका सब कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी सॉलिड्स की। और अगर एक चीज लिक्विड है तो लिक्विड की भी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, अपनी खसूसियात, अपने लॉज एंड रेगुलेशंस होंगे। लेकिन ये जो हमारे पास ये स्टेट आई थी ना, इस स्टेट में क्या था कि ये है तो लिक्विड, लेकिन लिक्विड होने के साथ साथ इसमें सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज मौजूद थी। तो ये एक खास किस्म का लिक्विड आता है जिसके अंदर सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि अब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो मैं आपको समझा देता हूं कि ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि इसके अंदर अगर हम प्रॉपर्टीज के हवाले से डिस्कस करें तो ये इटसेल्फ तो एक लिक्विड है। यानी कि जब आप किसी क्रिस्टल को, क्रिस्टल्स के अंदर तो रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है ना, जब आपने उसको मेल्ट किया था तो मेल्ट करने पर वो एक टर्बिड फेज में चला गया था, एक कलर्ड कंपाउंड में चला गया था, कलर्ड उसने लिक्विड बना दिया था। उसके बाद मजीद हीट करने पर वो क्या बन गया था, प्रॉपर लिक्विड बन गया था। तो लिक्विड के अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, जाहिर बात है। तो ये जो बीच में टर्बिड फेज आया था ये इटसेल्फ लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। अब लिक्विड कैसे है, लिक्विड ऐसे है कि इसमें फ्लूडिटी थी, ये बह सकता था। तो जिसमें फ्लूडिटी होती है वो ऑब्वियसली हमारा लिक्विड होता है, बट इसमें लिक्विड के साथ साथ सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज थी। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज में से मेन प्रॉपर्टी ये कि इसमें मॉलिक्यूल्स की अभी तक अरेंजमेंट्स मौजूद हैं। तो जिसमें मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर अरेंजमेंट्स मौजूद हो उसे हम सॉलिड में कंसिडर करते हैं, यानी कि हम उसे ये कहते हैं कि वो सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज रखता है। तो ये है तो लिक्विड, लेकिन अभी भी इसमें मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपरली मौजूद है, जिसकी वजह से ये सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज शो करेगा, लाइक ऑप्टिकल बिहेवियर। ऑप्टिकल बिहेवियर शो करना यानी लाइट के ये कुछ बिहेवियर्स होते हैं, ये सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन फिर भी ये शो कर रहा है क्योंकि ये सॉलिड लाइक बिहेव भी करता है। और इसी तरह सॉलिड की तरह इसमें एक आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं आपको सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर समझाऊंगा, आने वाले टॉपिक्स में आएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसमें हम देखेंगे आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक खास किस्म का लिक्विड आया, इसमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज हैं और लिक्विड के साथ साथ सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक इसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, ये ऑप्टिकल बिहेवियर शो करता है, ये आइसोट्रॉपिक है, यानी कि ये लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है और सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो ये खास किस्म का जो लिक्विड आया इसे आप क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। और इस पर 30 साल तक मजीद इसके ऊपर वर्किंग की गई और फिर हमें इस लिक्विड क्रिस्टल्स के बहुत सारे यूजेस पता चले। और एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रिस्टल को अगर आप हीट करें तो हीट करने पर वो कलर्ड कंपाउंड दे और फिर बाद में वो क्लियर हो जाए तो आप कलर्ड कंपाउंड को जो मेल्ट हुआ है आप उसे कहेंगे कि वो लिक्विड क्रिस्टल है। जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम क्रिस्टल जो है वो मेल्ट होने पर आपको कलर्ड कंपाउंड दें या लिक्विड क्रिस्टल दें। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे हैं बेटा जिसको आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वो आपको क्या देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देंगे और सॉरी क्रिस्टलाइन लिक्विड क्रिस्टल देंगे। आई एम सॉरी, मैं रिपीट करता हूं कि तमाम क्रिस्टल्स को गर्म करने से लिक्विड क्रिस्टल्स नहीं आते, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर आपको क्या हासिल होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स, यानी कि टर्बिड फेज आती है और बाद में वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो जिनमें टर्बिड फेज आएगी वो हमारे क्या होंगे, उन क्रिस्टल्स के लिक्विड क्रिस्टल्स होंगे। अब इन लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर जो अरेंजमेंट पाई जाती है वो अरेंजमेंट बेटा ऐसे भी हो सकती है लाइक निमेटिक अरेंजमेंट भी हो सकती है, वो अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है लाइक स्मैटिक अरेंजमेंट, और वो अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है लाइक कोलोमिनर अरेंजमेंट। तो हमारे पास इसके अंदर ये कोलोमिनर को आप कोलेस्ट्रिक अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, यानी निमेटिक, स्मैटिक और कोलेस्ट्रिक अरेंजमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर लिक्विड तो है ही है बट इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है जो कि इसको सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज देता है। तो ये लिक्विड भी है और साथ में सॉलिड भी है। तो इस खास बिहेवियर की वजह से इसके बहुत सारे यूजेस, बहुत सारे इस्तेमाल देखे गए, इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी की गई और फाइनली हम इसके डिफरेंट यूजेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये यूजेस आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है प्रॉपरली, तो काइंडली इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सबसे पहले यूज है कलर डिस्प्ले। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट के पड़ने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है उसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जब थोड़ा सा चेंज आएगा
तो चेंज आने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर लाइट पड़ी, लाइट पड़ने पर इसमें थोड़ा सा चेंज आया, इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्टेंस वगैरह में चेंज आया, तो चेंज आने की वजह से ये अपना कलर चेंज कर लेता है। कलर क्यों चेंज करेगा? ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल्स में गैप आएगा, इसकी अरेंजमेंट चेंज होगी, तो अरेंजमेंट के चेंज होने पर ये लाइट की वेवलेंथ भी डिफरेंट को एब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंट वेवलेंथ को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहले ब्लू कलर की वेव को रिफ्लेक्ट कर रहा था तो हमें ये ब्लू कलर का नजर आएगा। बाद में अगर इसके अंदर कोई टेम्परेचर का चेंज आया या इसके अंदर किसी किस्म का हीट का कोई चेंज आया तो इसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट चेंज होने पर माइट भी, अब ये पहले ब्लू कलर की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा था तो हमें ब्लू नजर आ रहा था, बट बीच में लेयर के डिस्टेंस चेंज होने या लेयर की अरेंजमेंट्स के चेंज होने की वजह से ये अब किसी और कलर की वेव को रिफ्लेक्ट करेगा और हमें ये माइट भी कोई और कलर नजर आए, यानी कि अब ये रेड कलर में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये कलर डिस्प्ले करता है, और इसके कलर के डिस्प्ले करने की वजह से हमें पता चलता है कि एक्चुअली में टेम्परेचर क्या हो रहा है। तो ये एज ए टेम्परेचर सेंसर भी काम करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मेन वायर है, मेन वायर आगे जाके बहुत सारे अप्लायंसेस को चला रही होती है, तो मेन वायर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम उस मेन वायर को लिक्विड क्रिस्टल से गुजारते हैं, यानी लिक्विड क्रिस्टल एक प्रॉपर डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल हुआ होता है, उस डिवाइसेस में से अगर हम मेन वायर को गुजारते हैं तो वो मेन वायर आगे जाके बहुत सारे अप्लायंसेस को चला रही होती है। अगर उन अप्लायंसेस पर लोड बहुत ज़्यादा होगा तो मेन वायर गर्म हो जाएगी। अब मेन वायर अगर गर्म होगी तो जाहिर बात है वो लिक्विड क्रिस्टल की डिवाइस से गुजर कर जा रही है, तो मेन वायर के गर्म होने की वजह से क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल्स की लेयरिंग चेंज हो जाएगी। जब लिक्विड क्रिस्टल्स की लेयरिंग चेंज हो जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आगे जो है मेन वायर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, वो मेन वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो हमें आगे अप्लायंसेस को बंद कर देना चाहिए। तो मेन वायर इस लिक्विड क्रिस्टल के डिवाइसेस से गुजार के आगे भेजी जाती है, आगे उसके ऊपर अप्लायंसेस चलती हैं, अगर लोड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो वायर गर्म हो जाएगी, और उस वायर के गर्म होने की वजह से क्या होगा, डिफरेंट कलर शो होना शुरू हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल की डिवाइस के ऊपर। अगर पहले ब्लू था तो रेड कलर आना शुरू हो जाएगा, और उस रेड कलर की वजह से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि उस वायर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है तो हमें कुछ चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। तो यूँ इलेक्ट्रिकल फेलियर होने से भी बचा देता है। तो लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर सेंसर के तौर पे काम करता है, कलर डिस्प्ले कर देता है, और पोटेंशियल फेलियर्स वगैरह की डिटेक्शन में भी अहम किरदार अदा करता है। बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर भी इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने एलसीडी देखी होगी, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के घरों में एलसीडी है, तो वो बेसिकली क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें भी लिक्विड क्रिस्टल्स इस्तेमाल हुए होते हैं। उसके इसको डायग्नोसिस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी डिजीज़ की जो तशखीस करनी है, डायग्नोस करना है, उसके लिए भी लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ब्रेन में ट्यूमर वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में जो कैंसरस सेल्स होते हैं इनका टेम्परेचर और होता है, तो हम लिक्विड क्रिस्टल्स की लेयर को पेंट करते हैं बॉडी के ऊपर। पेंट करने की वजह से वो एरिया जो कैंसरस होता है उसका टेम्परेचर चेंज होने की वजह से लिक्विड क्रिस्टल्स का वहाँ वहाँ कलर चेंज हो जाता है। तो चेंज्ड कलर ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स ऑन द बॉडी इंडिकेट्स दैट दैट पार्ट इज कंसिडर्ड टू बी कैंसरस सेल्स। हो सकता है कि वो कैंसर्स के सेल्स हों क्योंकि उनका टेम्परेचर चेंज होता है, जिसकी वजह से लिक्विड के क्रिस्टल्स का टेम्परेचर भी चेंज का कलर कलर लिक्विड के क्रिस्टल्स का कलर भी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो इसको एज ए डायग्नोस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में एज ए सॉल्वेंट भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूजेस, तो काइंडली तमाम यूजेस को अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम एक दो एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज में है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर, लोकेटिंग एजेंट्स फॉर द ब्लॉकेज इन वेन्स और आर्टरीज, फाइंडिंग पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिकल करंट्स। तो ऑल इसका बेस्ट ऑप्शन है, ये तमाम में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, लिक्विड क्रिस्टल्स आर नॉट यूज्ड
लिक्विड क्रिस्टल किसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते थे? टेम्परेचर सेंसर के लिए हो सकते हैं, मैंने अभी बताया, आई वॉश के लिए नहीं हो सकते हैं, एलसीडीज में भी हो सकते हैं, और फॉर स्किन थर्मोग्राफी, मैंने आपको गाइड किया था कि स्किन थर्मोग्राफी यानी कि कैंसरस सेल्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का भी मेरे माइंड में आ गया कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो ऑसिलोग्राफ है, ऑसिलोग्राफ हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे जो हार्ट इम्पल्सिस होते हैं उनको ग्राफ्स के अंदर दिखाया जा रहा होता है, हार्ट की जो मूवमेंट है, पंपिंग ऑफ हार्ट है, उसको वेव्स की फॉर्म में दिखाया जा रहा होता है ऑसिलोग्राफ में, जिसे ईसीजी भी कहा जाता है। तो उसके अंदर भी क्या इस्तेमाल हो रहा होता है? लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल हो रहा होता है। लिक्विड क्रिस्टल्स आर डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक रेनिट्जर वाइल स्टडिंग। वो क्या स्टडी कर रहा था जिससे उसने लिक्विड क्रिस्टल्स को ड्राफ्ट किया? तो वो बेंजाइल क्लेस्ट्राइल बेंजोएट, सॉरी, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी है, बीटा ऑप्शन इसका बेस्ट है, यानी कि वो क्लेस्ट्राइल बेंजोएट को स्टडी कर रहा था, वहाँ से हमें लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो डिस्कवर हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।